हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूं मैं सितंबर के महीने में रिलीज हुई हिंदी मूवीज को लेके। जी हां, न्यू हिंदी मूवीज इन सितंबर। मेरे वीडियोस की खासियत ये है कि अपने वीडियोस के एंड पे मैं मूवीज के ऑफिशियल ट्रेलर्स भी लिंक करता हूं, ताकि आप लोग ट्रेलर्स देख सकें और देख के अंदाजा लगा सकें कि मूवीज जाना है या नहीं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में मूवीज के रिलीज डेट चेंज हो जाते हैं, लेकिन मैं तो वीडियो अपलोड कर चुका होता हूँ तो मैं उस वीडियो को एडिट नहीं करता हूं। उम्मीद है आप समझ लोगे कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली मूवी से, जिसका नाम है पल पल दिल के पास। ये एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें सनी देओल ने डायरेक्ट किया है और करण देओल और शाहिर बम्बर लीड रोल में है। जी हाँ, करण सनी देओल के बेटे हैं और बतौर हीरो उनकी ये पहली मूवी है। अब फिल्म का नाम पल पल दिल के पास क्यों है, गेस करिए। ये गाना आप यूट्यूब पे देखिए तो आपको जवाब मिल जाएगा, अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो। तो हमारी दूसरी फिल्म का नाम है जोया फैक्टर। इस फिल्म के लीड रोल में है सोनम कपूर और सलमान, दलकीर सलमान। नाम तो नहीं सुना होगा आपने, खैर मैंने भी नहीं सुना। ये क्रिकेट पे आधारित एक फिल्म है जो कि लक फैक्टर को लेके बनाई गई है। जी हाँ, इसमें क्रिकेट और लक साथ में मिलाकर दिखाया गया है। देखते हैं ये फिल्म सोनम कपूर के करियर के लिए कितनी लकी साबित होती है। तीसरी फिल्म का नाम है प्रशांतम, जो कि एक पॉलिटिकल एक्शन मूवी है जिसकी प्रोड्यूसर है मान्यता दत्त। संजय दत्त बैनर की फिल्म है ये। आप समझ ही गए होंगे कि हीरो कौन होगा। जी हाँ, संजय दत्त के अलावा इसमें आप देख सकते हैं जैकी श्रॉफ, मनीषा कोयराला और चंकी पांडे को। ट्रेलर काफी अच्छी है, जरूर देखिएगा फिल्म जाने से पहले। अगली दो फिल्म सेक्शन 375 और चितचोर, ये लेट लतीफ फिल्में हैं जो कि अगस्त में रिलीज होने वाली थी लेकिन सितंबर में रिलीज हुई है। तो इन फिल्मों के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और पांचवी फिल्म की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है ड्रीम गर्ल। क्या इत्तेफाक है, वीडियो की शुरुआत भी धर्मेंद्र के गाना से और अंत भी धर्मेंद्र के गाने से, लेकिन ड्रीम गर्ल हेमा जी नहीं है, आयुष्मान खुराना है। नुसरत भरूचा हीरोइन है लेकिन फिर भी ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना ही है। ट्रेलर देखेगा सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, और भी फिल्में रिलीज हुई थी सितंबर में लेकिन मेरा कोटा सिर्फ 5 का है, लेकिन ट्रेलर्स मैंने सारे फिल्मों के दिए हुए हैं, देखिएगा जरूर। वीडियो के एंड में मैंने लिंक दिया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो तक।